नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आने के बाद एक बार फिर बढ़ने लगा है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के आगरा मथुरा के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। यमुना का पानी आगरा में ताजमहल तक आ चुका है। मथुरा में यमुना डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है। इसके चलते नदी के आसपास के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वहीं 52 कॉलोनियों में भी पानी भर गया है। NDRF ने अब तक 500 लोगों को सुरक्षित राहत शिविर में पहुंचाया है। इसके अलावा अभी बहुत सारे लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। सोमवार सुबह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के कायस गांव में बादल फट गया। इससे एक की मौत हो गई और 3 घायल है। 9 गाड़ियां पानी में बह गई। कुल्लू के ही खराल में भी आधी रात को बादल फटा। नाले में बाढ़ से नेवली स्कूल और कई घरों में पानी भर गया। एक गाड़ी भी चपेट में आ गई है। इधर उत्तर रेलवे ने बताया कि अंबाला डिवीजन में जलजमाव के कारण 16 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है। 2 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।